60-40 लाने का काम कर रही है, 40 में ओपन फॉर ऑल है, इसको लेके कैसे थे? हेमंत जी को कहा है कि जितना आपके विपक्षी दल वाले लोग विरोध नहीं करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के लोग हैं जितना विरोध नहीं करेंगे उससे 10 गुना नहीं 100 गुना हम ज्यादा प्रखरता के साथ मुखरता के साथ पुरजोर विरोध करेंगे। जब आप उनके हक मारी करेंगे, अधिकारों से वंचित करेंगे, आंदोलन होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति है लोगों का। और आज यदि आंदोलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग आपसे त्रस्त हैं, आपकी नीतियों से त्रस्त हैं। और आज यदि लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आप लाठियां बरसा रहे हैं। और उस वक्त जो पार्टी की मतलब स्वरूप था, पार्टी का स्वरूप आज वो नहीं है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन जी इसको लीड कर रहे हैं और आज आंदोलनकारियों को ही ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे के पूरे 81 विधानसभा में ये पार्टी अपने उम्मीदवार देगी और मजबूती के साथ लड़ेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी ऐसे NDA और UPA वालों को। हमारे साथ है सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी, जो लगातार 49 दिन से मैराथन दौड़ में भाग ले रहे हैं और 21 किलोमीटर आप डेली चल रहे हैं। दादा, एक खतियान की अगर बात करेंगे, लगातार आप संघर्षरत हैं, उसके कारण आपने पार्टी भी कुर्बान कर दिया, क्या लगता है और कितने आप लोग मैराथन में दौड़ लगाएंगे और सफलता की बात करेंगे, कब तक ये सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, 48 दिन हमारे हो चुके हैं और 1008 किलोमीटर हम लोग दौड़ चुके हैं। आज हमारा ये 49वां दिन है और आज भी हम 21 किलोमीटर दौड़ेंगे। आज हमारा विधानसभा स्तरीय हमारा ये दौड़ है और रोज़ के रोज़, चूँकि 81 विधानसभा हैं तो 81 विधानसभा में हम दौड़ने का काम करेंगे और 2709 किलोमीटर कुल दौड़ हम लोग दौड़ेंगे। और इस दौड़ को दौड़कर हम लोग ये झारखंड सरकार को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आप हमारी व्यथा को समझें, आप हमारे दर्द को समझें। दर्द हमारा सिर्फ एकमात्र है कि खतियान के आधार पर आप हमें हमारी पहचान दो, खतियान के आधार पर आप हमारा नियोजन दो। तो इसको लेकर ही हम लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि इन 22 वर्षों में सर हम लोगों को न पहचान मिला है न रोज़गार मिला है। हमारे यहाँ के लोग हमेशा से ही कभी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाते रहे हैं काम करने को लेकर। हमारे यहाँ की बच्चियों का बाहर में शोषण होता है, यौन शोषण होता है। हमारे यहाँ के जो भाई हैं मजदूर बनकर जाते हैं और बस मजदूर ही बन जाते हैं। हमारे यहाँ के युवा जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके टैलेंट को निखरने का मौका नहीं मिलता है और उनके टैलेंट को कदर नहीं है। तो इसलिए झारखंड जो हमारा बनाने का एकमात्र मकसद था, जो हमारे आंदोलनकारियों का सपना था, वो अब तक साकार नहीं हुआ है। तो उनका जो सपना था कि भाई हर एक हाथों को काम मिले, हमारे यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो, तभी हमारा झारखंड समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, विकास के मार्ग पर बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमने पार्टी भी छोड़ी है, क्योंकि हेमंत जी से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को कि भाई UPA NDA वालों ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी आजसू वालों ने नहीं किया है तो हमारी UPA की सरकार करेगी। लेकिन उनके ये जो कार्यकाल 3 साल के हुए, उस कार्यकाल में महज लोगों ने धोखा देखा है, छलावा देखा है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। अमित जी, सवाल यही है कि जो UPA की सरकार थी इसी शर्त पे आई थी कि हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लाएंगे, लेकिन अब सरकार भी बैक होते आ रही है। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार देना है, 60-40 लाने का काम कर रही है, 40 में ओपन फॉर ऑल है, इसको लेके कैसे थे? क्या स्थानीय तो रोजगार कहाँ मिल पाएगा अमित जी, इसको लेके बात करेंगे तो? कहीं नहीं मिल पाएगा सर, ये ओपन टू ऑल मतलब सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से रहेंगे और हमारे लोग बस प्रवासी मजदूर बनकर रह जाएंगे और हमेशा ही हमारी संख्या घटती चली जाएगी, बाहर के लोग यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे जैसा कि होता आया है। तो ये बदस्तूर जारी रहेगा जैसा कि 22 सालों में हुआ है, तो इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमने हेमंत जी को कहा है कि जितना आपके विपक्षी दल वाले लोग विरोध नहीं करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के लोग हैं जितना विरोध नहीं करेंगे उससे 10 गुना नहीं 100 गुना हम ज़्यादा प्रखरता के साथ मुखरता के साथ पुरजोर विरोध करेंगे। और ये विरोध दिख रहा है सर, आज तक हम नहीं लगता है कि इस तरीके का आपने आंदोलन का स्वरूप देखा होगा। ये एक आंदोलन का ऐसा स्वरूप है जो कि रोज़ के रोज़ हम लोग अपने शरीर को गलाने का काम कर रहे हैं, 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ये नॉर्मल आंदोलन नहीं है सर। और हमारे हर एक प्रखंड के युवा, हमारे हर एक पंचायत के युवा
इसमें दौड़ रहे हैं। जो बच्चे 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं दौड़ते थे रोज का रोज, आज वो 21 किलोमीटर दौड़ने को आमदा है। तो कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन जी का ऐसा एक विरोध है जो कि इतिहास में लिखा जाएगा। अमित जी, विरोध तो अगर युवा करते उस पर लाठी बरसाई जाती है, आंसू गोले छोड़े जाते हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है कि अभी आप चुप रहो, हम युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं, इसको कैसे? तो युवाओं को जब लाठी पड़ता है तो सरकार तो क्या कहेंगे सरकार को लेकर? ये विडम्बना है सर, ये वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो कि अपने आप को आंदोलनकारी कहती है। निश्चित तौर पर आंदोलनकारी पार्टी है, मैं भी जानता हूँ, परंतु जो स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ पहले थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, गुरुजी की हम समय की बात कर ले, वो परिदृश्य अलग था। वो सचमुच में आंदोलनकारी हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, वो हमारे आदर्श हैं। और उस वक्त जो पार्टी की मतलब स्वरूप था, पार्टी का स्वरूप, आज वो नहीं है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन जी इसको लीड कर रहे हैं और आज आंदोलनकारियों को ही ये कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमेशा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम किए है, लेकिन आज कोई भी आंदोलन यदि कहीं होता है तो आंदोलन कब होता है? जब आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, जब आप उनके हक मारी करेंगे, अधिकारों से वंचित करेंगे, आंदोलन होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति है लोगों का। और आज यदि आंदोलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग आपसे त्रस्त हैं, आपकी नीतियों से त्रस्त हैं, और आज यदि लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आप लाठियां बरसा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी सर, गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और ये 60-40 वाली नीति, ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये जिस तरीके से विरोध करते थे पहले किसी भी चीज़ में, रघुवर जी के पीरियड में, उससे पहले की पीरियड में, हम आपकी पीरियड को मतलब हेमंत जी की पीरियड को विरोध करेंगे। एक एक नीतियाँ जो गलत लाई जाएगी उसका हम विरोध करेंगे, हमेशा ही करेंगे, निरंतर करेंगे। अमित जी, कितना दिन तक चलेगा जो खतियानी दौर आपका है, और कितने जिले को आप कवर कर रहे हैं, और कैसे युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं? सर, क्या है कि हमारे सिल्ली विधानसभा में 48 पंचायत है, हमने जैसा कि पहले कहा कि सिल्ली विधानसभा के 48 पंचायत प्लस 81 विधानसभा, टोटल हो जाते हैं 129 होते हैं। 129 दिनों का हमारा कार्यक्रम है, आज ये हमारा 48 खत्म हो गया, आज हमारा 49वां जो है हमारा विधानसभा स्तरीय है, तो ये टोटली 129 दिन हमारे चलेंगे। और 129 गुना जो होता है 21 किलोमीटर, तो 2709 किलोमीटर होते हैं सर, तो 1000 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 1008 किलोमीटर की दूरी को। अब जो बचे हुए दिन हैं उसे भी हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ हमारा शरीर बेहतर हो, मौत नहीं आए। अमित जी, अंतिम सवाल यही रहेगा कि आप 2024 बस बहुत नज़दीक है, क्या 81 विधानसभा सीट में उम्मीदवार खड़ा करेंगे, सरकार को टक्कर देंगे, मतलब एक राजनीतिक पार्टी जो फिर से तैयार कर रहे हैं आप? इसका उदय ही हुआ है खतियानी झारखंडी, मतलब जो खतियानी है वही झारखंडी है और उन्हीं की पार्टी है, और जब खतियानी के साथ अत्याचार हुआ है तो इसीलिए इस पार्टी का उदय हुआ है। और एक विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे के पूरे 81 विधानसभा में ये पार्टी अपने उम्मीदवार देगी और मजबूती के साथ लड़ेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी ऐसे एनडीए और यूपीए वालों को। ये तुम्हारे साथ सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, जिन्होंने कहा कि 2024 में 81 विधानसभा सीटों पे हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे और जोरदार मुकाबला करेंगे, और चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब देखना होगा 2024 में क्या इनकी भूमिका होती है और कितने सीट जीत कर आते हैं। सहयोगी नूतन के साथ मनीष जनोज बिंग रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।